नाम मदहू नसूल अम्मबाद फाउद बिल्लाम रहीम मिर्जा सईद महमूद बेग महमूद मिर्जा जेलमी भाई चैनल पसे पर्दा सब्सक्राइब कीजिए ना सारा दिन फोन पर सारा दिन मुलाकातों पर रास्ते में पकड़ के कहते हैं बाबा जी क्या हो रहा है जेल में क्या हो रहा है मुल्क में क्या हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है भैया बाबा जी ने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है इसे रब्ता करें आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें पसे पर्दा तो जो आबादी में मैं कह चुका हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा और जो मैं कह आज कल कह रहा हूँ वो भी आज आ जाएगा आने वाले प्रोग्राम सारे आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच रहेंगे मेरा और आपका कहम रहेगा रब्ता और जो बात आप अपने बाबा जी से पूछना चाहते हैं बाबा जी वो सारी बातें कह देते हैं और सारी आप केलम में आ जाएंगी तो आगे चलते हैं जी आज का बर्निंग इशू है पीटीआई ने आखिरकार कुफर टूटा खुदा खुदा करके और उन्होंने अपने उम्मीदवार इस जनरल इलेक्शन के लिए फाइनल कर दी इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने उस म... शुरू दिनों के जब से भी इंतबी बुखार शुरू हुआ है उस बात पे जाता हूँ कि मुझे तो ये इलेक्शन फिफ्टी फिफ्टी नजर आते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे अब तो बेल्ला हालात इस तरह के हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दिदीदा हाल है इसमें अमन का जो मसला है इनमें तो शायद अदालतें भी इजाज़त दे दें कि इंतबात को मुलतवी कर दें खैर चलते हैं अगर इंतबात होते हैं तो क्या सूरत होती है वो तो पंजाबी कहते हैं आप को चज्जी तड़े नू दोस मैंने कभी इस बात को लुकाया छुपाया नहीं कि मेरा भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से पी टी आई के साथ अलग है लेकिन पी टी आई की क्यादत ने भी कसम उठाई हुई है कि अव्वल तो कोई सही फ़ैसला करना ही नहीं और अगर करना है तो उसको इतने बोंडे और गलत तरीके से करना है कि उसके नतयज मुस्त बजाने के बजाय मनफी जाए जैसे एक जमींदार हो उसकी जमीन भी बड़ी काबिल हो और उसके पास ट्यूबवेल भी हो पानी भी हो ट्रैक्टर भी हो घर में बीज भी पड़ो लेकिन वो उसकी रुत ही गुजार दे वो बाजरे के मौसम में गंदम बीजना शुरू कर दे और गंदम के मौसम में बाजरा बीजना शुरू कर दे तो उसके नतज क्या होंगे यही हाल है हमारी पी टी आई की पॉलिटिक्स का इन्होंने जो टिकटों के मामले में ये तो ठीक है खान साहब जेल में थे लेकिन जो पीछे साइबान लगाए एक तो वकला हजरात को ये सारा कुछ दे दिया वकील मैं ये, मेरे बेटे भी वकील हैं लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है ना उसके सामने सबसे पहले उसका अपना प्रोफेशन होता है डॉक्टर डॉक्टरी को देख रहा होता है साहफी साहब को देख रहा होता है वकील वकालत को देख रहा होता है हकीम को देख रहा होता है वो अपने मफादात को देखते हैं कि हमारी जो अपनी सियासत है वो कैसे जो है ना आगे बढ़ती है उसी सियासत की नज़र में पीटी आई और यहाँ गलत टिकटों का गलत जो है ना फैसला किया गया उसके खिलाफ जदीद रद्दमल हुआ और कहने ना नानी खजम कीता बुरा किता की करके छाया तो होकर बुरा किया भाई आपको पहले ये सोच समझ के करना चाहिए था इसमें कसूर सिर्फ उन बुकला जो पॉलिसी साज थे ये पॉलिसी मेकर थे उनका ही नहीं है पी टी आई की मकामी और जिली तंजीमों का भी है जिन्होंने अपनी पसंद ना पसंद को एक हमारे माशरे में जो ये एहसास कमतरी है ना कि मुझसे ज़्यादा कोई काबल मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छा बोलने वाला मुझसे ज़्यादा कुछ सोचने वाला मुझसे ज़्यादा छ लिखने वाला आगे ना चला जाए यानी हम चाहते हैं कि बोने रो लोग जो है ना वो हमारे सामने आए ताकि हमारी चौधराड़ कैम रहे हमें ना पार्टी से दिलचस्पी होती है ना मुल्क से हमें अपनी जत को देख के फैसले कर होते हैं तो उन तरजीमों ने भी अपनी ज़ात को देकर गलत सिफारिशात भेजी और जब गलत सफारिश याद भी तो अगले वालों ने देखा भाई करना हमने है तो इनकी गलत सफारिश मानने के बजाय हम अपना क्यों ना बलेंडर कर ले तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिनका पी टी आई के साथ तल की कोई नहीं था उस पर शदीद रदल हुआ और शदीद रदल हुआ तो फिर तो हम पर तो वही बात सादक आई कि जनाब हम बात सी नजरों से गिर गए शायद तुम्हें तलाश किसी बेफाह की थी चलो हमें नहीं तो कम अज़ कम जो पी टी आई ने हमारे अलका एन ए सिक्सटी वन में और पी बी छब्बी में उम्मीदवार उतारे हैं कम अज़ कम उन पर यह छाप मौजूद है कि वो पी टी आई हैं उनको ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि पी टी आई नहीं है मसल जो कौमी असम्बली का टिकट दिया गया है कर्न शौकत इकबाल मिर्ज़ा साहब को करन शौकत इकबाल मिर्जा साहब बुनियादी मेम्बर हैं पी टी आई के हमारे धरने के जितने जल से जुलूस हैं आज भी देख के ना मेरे साथ वो जुलूस की क्यादत करते हुए गाड़ी में मौजूद होंगे कितने फंक्शन हमारे साथ मौजूद होंगे तो वो पुराने पीडीआई के कन हैं और उन वो फेस है पीडीआई का उनको नहीं कहा जा सकता कि इनका पीडीआई के साथ तल्लक कोई नहीं है लेकिन वो ज़ाहिर है वो उनका ख़ानदानी पस मंजर यह है कि खाते पीते कराने से तलक रखते हैं लाडले थे कर रहे आर्मी के इस तरह के आवामी तो नहीं है लेकिन सियासत उनके घर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है उनके बाला साहब मिर्जा वलायत बेग वो जब तक माशाल्लाह जिंदा रहे कभी चेयरमैन यूनिकोसल चौटाला और कभी मेंबर जिला कौंसिल जेलम रहे और बड़े मज़ादार शख्सियत थे एक तरफ वो चूँकि पैनल मेरे में मुखालम में से इलेक्ट कराया करते थे तो अपने ग्रुप के साथ खड़े रहते थे दूसरी तरफ मेरा लिहाज और इतराम करते थे कि ये नहीं मेरा अजीज है मेरी बरदरी का इसलिए मैंने अपने इस अजीज के ख़िलाफ़ कोई बात हाउस में नहीं करनी तो इस तरह के एक नोबल आदमी के बेटे हैं मिर्जा वलायत बेग के तो बचपन में उन्होंने उनके घर में सियासत रही है लोग उनके यहाँ आते जाते हैं वो सियासत के जो से वाकफ है से वाकफ़ हैं कुछ को उनको सेहत के मसाइल हैं लेकिन बहर हाल वो एक अच्छा इंतखा है अगर यही कनर शोकत मिर्ज़ा पहले दिन से डिक्लेर कर दिए जाते तो शायद आज का जो माहौल है इससे मुख्तलि पीढ़ी आई का माहौल होता आ, उनकी ए, दो तीन बदकिसमतियाँ हैं एक उनका फैसला लेट किया गया है। दूसरा ये है कि ये जो खुरचुटाला नवा लोग ए, नौ गया दिलावर वगैरह के ये जो ईदगाह के जो मुग़ल है ना ये ज़्यादातर मुगल बरलास हैं सात की पट्टी तसीजल में मुग़ल हयाल है भी हैं तो मुगल हयाल और तसील पंडान ख़ान में आबाद मुग़ल फफरा कबीला और मुग़ल बरलास मुगल ताज ये मुग़लों और राजपूतों के अलावा अवाणों और जाटों के साथ भी रिश्तेदारी कर लेते हैं लेकिन ये जो तस्वीर जेल वाले मुग़ल बरलास हैं ये अपने बात राजगान के साथ रिश्तेदारी करते हैं उस रिश्तेदारी की बुनियाद पर इनका सियासी तलक भी राजगान दारापुर के साथ रहा है और ये उनका ही दड़ा ग्रुप रहे हैं अब जब न्यूली के टिकट अनाउंस हुए तो मतरूम मैदी को टिकट नहीं मिला उसकी जगह चौधरी फरख अल्ताफ आ गए तो अब उन्हें चाहिए था ना कि जब कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा जिनकी बरादरी जिनका ख़ानदान सारा साल के साथ से उनके इकतदार का ईंधन बना हुआ है आज कम अज़ कम अगर उन्होंने मुखालफत अपने पार्टी टिकट की करनी है उन्होंने नू लीग के टिकट की मखालवत करनी है फ़रक अलताफ़ की मुखालवत करनी है तो उन्हें चाहिए ना वो शौकत इकबाल मिर्ज़ा के साथ खड़े हो आए तो वो वोट इनका है ना मुकाबला तो शौकत इकबाल मिर्जा का और चौथी फरक़ अलताफ का है डायरेक्ट पी टी आई का और नू ली का मुकाबला है आप आज़ाद अपना दरम्यान में बदन बत, बनाना चाहते हैं तो ये बदन बनाने का तो यह तरीका था ना कि आप शौकत इकबाल मिर्जा के साथ खड़े होते कहते कि जी हम हमने फरताफ को हराना है लिहाजा हम अपने पुराने तादी के साथ खड़े होंगे ये तो पूरी ना साहब छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ये क्या पर्दा के चलमर से लगे बैठे हैं तो ये जो दूसरा नुकसान हो रहा है गणेश चौक इकबाल मिर्जा का वो ये है कि उन ही के इतादी जो हैं वो आज़ाद खड़े हो गए हैं और जित जितना भी मैक्सिमम नुकसान तालब महदी करेगा वो गणेश शौकत इकबाल मिर्जा का करेगा और तीसरी जो वजह है उनके के वो उनके गुजैर है उनके से बला छीन गया उनका निशान अब बता दिया जाएगा पहुंच जाएगा लोगों तक लोगों तक, लेकिन वो जो बात थी ना कि बले वाले निशान वाली वो बात वो इस तरह की नहीं है और चौथी वजह कि उनकी सेहत भी उस तरह की नहीं है कि वो मेहनत कर सकें और पांचवी वजह यह कि वक्त भी कम है इसके बावजूद अगर चौधरी फर खलताफोकत इकबाल मिर्जा को ईजी लेंगे तो ये उनके लिए शायद परेशानी का बहस हो इसलिए हम नेको बहादुर को, को समझाए देते हैं और दूसरी तरफ इन इनके नीचे एक कैंडिडेट आए हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक ये जिमेंदार मुगल हैं लोकल गोते इनकी उठी है लेकिन इनका शुमार भी जाटों में ही होता है क्योंकि तसीपेदान खान में हर ज़िम्मेदारी अदर दहर राजपूत जाट गिना जाता है तो ये लीला के रहने वाले हैं ये भी जो है ना बड़ा डैमेज करेंगे नून लीग के एम पी ए चौधरी नासर महमूद लाला को कि उनके गाँव के भी हैं वहाँ के लोकल भी हैं और इनका सुरसुख भी बाहर आए अब हर माशरे में किसी नेकी का कदर कोई नहीं होता वर्णा ब्रगेडियर साहब ने जितने बच्चे नौकर करवाए हैं अगर वो सारे के सारे उनके उनके ख़ानदान वही लोग अगर बर्गेडियर साहब को वोट दे, दे दें तो मुकाबला बड़ा टफ हो जाता है बहरहाल बर्गेडियर साहब को एक लंबी लड़ाई के बाद एक जदोजहद के बाद पहले दिन हम सुना करते थे कि जी बर्गडियर साहब आ रहे हैं पिंद खान से ले। लेकिन आखिरकार हुआ ये कि आखिरी वक्त में उनको टिकट मिला है एम पी ए का छब्बी का, का लेट टिकट मिला है उनको नुकसान यह है कि उनके गाँव से नून लीग के सबक एम पी ए और मौजूदा टिकट होल्डर हाँ जी नासला तलक लीला के साथ है एक पीर साहब जो है लब्बैक के टिकट पर खड़े हुए हैं वो लीला के से तलक रखते हैं ये दो नुकसान होने के बावजूद उनको जो वोट में पॉपुलर वोट मिल रहा है ना इमरान खान का और लुफ की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जो ए, कौमी असम्बली में शौकत अकबाल मिर्जा के साथ नहीं है बावजूद लेकिन वो खुल खुला के ब्रिगेडियर मुश्ताक का साथ दे रहे हैं तो ये उनको एडवांटेज है अब ब्रिगेडियर साहब पर डिपेंड करता है मैं दावे से कहता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है कि आज रात

तो वो नौजवानों की ये एक टीम जो है ना वो उसके साथ चल पड़ी है तो ये जो नौजवानों की टीम उसके साथ चल पड़ी है ये दो बंदों का नुकसान कर रही है बल्कि तीन का नुकसान कर रही है एक नौजवानों में ज्यादातर पी टी आई के लोग थे और वो मुश्ताक साहब की बजाय उस नौजवान के साथ लगे हुए हैं दूसरा ये है कि ये चूंकि इन्होंने तो अपने नाम के साथ जट लिखा हुआ है तो जो आजीन असल्ला भी जट है तो जटों के वोट तकसीम होंगे चौधरी नजर हुसैन का चूंकि ये सारा इलाका है उसकी बरदरी है जहाँ तो इस मैचों की नज़र से इनका भी नुकसान ये कर रहे हैं तो तमूर नवाज बाद लोगों का ख्याल है कि जट अपने माल के ज़ोर पर निकल जाएगा ये बात दुरुस्त है कि अब माल की बड़ी अहमियत है असूलों की जो अहमियत नहीं है लेकिन अभी भी वो बात नहीं है कि वो सिर्फ माल के ज़ोर पर कामयाब हो जाएंगे इस वक्त भी वो अभी उस दौड़ में नहीं है कि जीतने की दौड़ में तो अब इनकी मुकाबला जो बहरहाल इस वक्त है वो चौधरी हुसैन हजीना सलिल्ला और ब्रिगेडियर मुश्ताक के दरमियान है लेकिन चौथे नंबर पर होते हुए भी तैमूर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो ताज़ा तरीन सूरतयाल है जो सूरत हाल बदलती जाएगी हम आपको बताएंगे